उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के समीकरण क्या कहते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, 29 में से 28 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पिछली बार जो रिजल्ट निकल कर आया था 2019 का, वही अपूर्वामान दिखाई दे रहा है 28 सीटों के तौर पर। यानी कि 8 सीट पिछली बार भी छिंदवाड़ा के कांग्रेस के पास थी, अभी भी कांग्रेस के पास दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का भी समीकरण का जिक्र कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 2 सीटें थी, इस बार 1 सीट कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई दे रही है और 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। इस बीच शिवराज सिंह चौहान की बात भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन आलोक जी, अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया, पुराने नेताओं को हटाया, नए चेहरे जो तीसरी और चौथी पंक्ति में रहे। संगठन के लोग कहने लगे कि साहब नुकसान होगा, लेकिन नुकसान हुआ नहीं, स्थिति वही की वही और कुछ जगह फायदा भी। बिल्कुल मनोज जी, आपने कहा और आप तो जमीनी घूम के आए हैं लगातार। विधानसभा चुनाव में भी मैंने आपसे कहा था, जहां जैसे गुजरात में सारे मंत्री बदल दिए, उसी तरह से कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी उन्होंने, नरेंद्र सिंह को, उन सबको वहाँ भेजा राज्य में, और नए नेताओं को मोहन यादव को लाने के बाद कई लोगों को डर लग रहा था कि कहीं लोकसभा में खतरा न हो। लेकिन मुझे लगता है कि कमलनाथ की सीट तो इसलिए कि वो पहले से भी वहाँ उनका पुराना प्रभाव रहा। कमलनाथ जब दिल्ली में मंत्री थे, आप आश्चर्य करेंगे, चपरासी की नौकरी के लिए वो खुद 4-4 बार फोन करते थे जी। इसको नौकरी देना है, अपने इलाके को ध्यान देने का फायदा आज भी कमलनाथ के परिवार को मिल रहा है। और दूसरा, कॉरपोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा सहयोग यदि कांग्रेस में मिला है तो कमलनाथ के कॉमर्स मिनिस्टर के रहने के कारण मनमोहन सिंह से ज़्यादा फायदा कमलनाथ ने दिया है। और ये भी एक कारण है जिससे कमलनाथ वाले यदि सीट जीतते हैं, अभी भी मैं गारंटी नहीं कहता, एग्जिट पोल है हमारा, लेकिन आपने चूंकि नाम ले दिया, एक सीट यदि कोई हो सकती है, सबसे बड़ी सफलता बीजेपी की तब होगी जब दिग्विजय सिंह भी पूरी तरह हारे हुए होंगे जी। तो दिग्विजय सिंह के बड़ा चेहरा